हाय स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। देखो, जैसे हमने ईवीएस में पढ़ा था तो एक एलिफेंट के छोटा एलिफेंट के बारे में। देखो पहले क्या इस पिक्चर में ये एलिफेंट चुपचाप सो रहा है। जब उठा तब देखा कि इसके चार पास में क्या है, इसके मादर वगैरह सब कुछ हैं, कज़िन मादर। ओके, ये पहले क्या सोचा था, ये पेड़ है, लेकिन ये पेड़ नहीं था, इसके काजिन्स। उसके बाद में उठ के क्या है, ये वन में चल रहा है। ओके, सर्च फॉर फूड। ओके, फूड सर्च करने के लिए जा रहा है। उसके बाद में देखो ये जो एलिफेंट है, देखो जा रहा है, इसमें एक स्मॉल एलिफेंट है जिसके नाम क्या है, नंदू। ओके, नंदू थोड़ा सा शरारती है। देखो कैसे हाथी की जो हर्ड है, हर्ड ऑफ एलिफेंट कैसे होता है, इसमें मादर होता है, ग्रैंड मादर होता है। ओके, 11 और 12 ऐसे होता है, लेकिन इधर तीन दिखाई दे रहा है। देखो इसके पास बाद में क्या है, ये फॉरेस्ट में आ गया। ओके, इधर एक छोटा सा रिवर है, रिवर के साइड में आ गया। ओके, पॉन्ड है इधर, तो ये पॉन्ड में आके कैसे हाथी, देखो पॉन्ड पानी से खेलते हैं, कैसे पानी को स्प्रेड करते हैं, देखो देखो स्प्रेड किया। ओके, ऐसे होता है, इस पिक्चर में ऐसे ही बोला हुआ है, तो आपको रियल कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये वीडियो बनाया। देखो ऐसे करते हैं बिल्कुल। ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ था, देखो ऐसे स्प्रेड कर रहा है, और नंदू उस टाइम में बाहर से देख रहा था। ओके, मतलब पानी के ऊपर से, लैंड से। ओके, आफ्टर दैट देखो मादर एलिफेंट क्या किया था, नंदू को थोड़ा धक्का दिया था पानी में, है ना। देखो ऐसे ही ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही थोड़ा बहुत चल रहा है ना। उसके बाद में क्या हुआ था, ये पानी में खेल कूदने के बाद में वापस घर लौटा था, है ना। सारे हार्ड ऑफ एलिफेंट, देखो इसके साथ नंदू भी है ना। तो ऐसे एक स्टोरी बताया गया है आपको इसी लेसन में। ओके,